अच्छी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से यहाँ लड़ाया, लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है समाजवादी पार्टी मैनपुरी में, तो इस बार कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लगातार मैनपुरी में 80 में से 80 और 400 सीटों पर के दावा कर रही बीजेपी। ये अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा का कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, और अगर जयवीर सिंह जी आए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है और हम मजबूती के साथ चुनाव। अखिलेश जी ने कहा है कि जयवीर सिंह को जो यहाँ भेजा है वो हराने के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी, लोगों का सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ। आप लगातार पिछले एक महीने से जनसंपर्क कर रही हैं, कितना प्रतिद्वंदी मानती हैं जयवीर सिंह को? मैं समझती हूँ बहुत प्यार मिल रहा है इस क्षेत्र में, और महिलाओं का बहुत ज्यादा ही आशीर्वाद और साथ भी मिल रहा है। मैडम एक आखिरी सवाल, नॉमिनेशन आप कब करेंगे? पता चल जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छत्री बिरादरी के लोग बकायदा पंचायत कर रहे हैं और भाजपा का काफी विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, युवा आक्रोशित हैं, क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई है, महंगाई के कारण उनकी आय आधी से भी कम हो गई है। सारे वर्ग, जो चार स्तंभों की बात कही गई है, जो हमारे राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उसमें, नारी, युवा, महिलाएं और साथ में हमारा जवान, तो ये चारे जो ये चारों स्तंभ हैं हमारे देश के, ये चारों डगमगा गए हैं, एक तरीके से अपने आप को स्थिर महसूस नहीं कर रहे हैं। मीसा भारती ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको जेल भेजा जाएगा। मैं समझती हूँ कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कैसे पहुंचा सके, बेहतर शिक्षा कैसे कर सके, युवाओं को रोजगार और नौकरियां कैसे दे सके, इस पे विचार किया जाएगा। केजरीवाल अंदर है और अंदर से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। हमने लगातार देखा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो मजबूत चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो अच्छा शासन कर रहे हैं और लोगों की सीधे सहायता कर रहे हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डालने का काम किया है, और सीबीआई ईडी के माध्यम से लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके शासन में खाली इसी एंगल पे काम किया जा रहा है, लेकिन जनता से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उनको असुविधा इस समय महसूस हो रही है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सीट पे प्रचार के लिए कब आएंगे? क्या नामांकन में आपके साथ होंगे? अभी इस बारे में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, जब अगर होंगे तो पता चल जाएगा। कल घोषणा पत्र जारी हुआ है समाजवादी पार्टी का, उसमें कई चीजें ऐसी रखी गई, इसमें युवाओं का भी ख्याल रखा गया है। जब उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार थी तो इतने काम समाजवादी पार्टी ने कराए कि उन्हीं कामों को आज 7 साल और हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक नया काम नहीं लेके आए हैं। जहाँ हमारे एक्सप्रेसवे में हवाई जहाज उतर रहे हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं लखनऊ में, और जो इनका बनाया हुआ जो एक्सप्रेसवे था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप अगर उसमें हवाई जहाज उतार के दिखा दे तो हम मान जाएंगे।